दर्शकों पंजाबला चैनल ते तुहाडा स्वागत है। जैसे आए न्यू गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल। बच्चों एक साफ सुथरा वातावरण मिले, जो कमरे है स्कूल के वह बहुत साफ सुथरे तो हवादार हैं, चारे पासे खिड़कियां ने उन्हां दे लई, तो ग्राउंड अलग बनिया हुआ बच्चों के खेडन वास्ते, बच्चे आपके उन्होंने एक एक प्ले ग्राउंड पीरियड रख्या हुआ। दर्शकों पंजाबला चैनल ते तुहाडा स्वागत है। जैसे आए हैं न्यू गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, जिहड़ा कि मुदकी दे बाघा पुराणा रोड के उपर बिल्कुल जिथे बाईपास निकलता उहदे नाल स्थित हैगा। और 22 साल तो यह संस्था चल रही है। मैडम और नीरज जी जिहड़े इस नूं मिलके चला रहे हैं, विद्या का दान दे रहे हैं। बड़े औखे समय आए हैं, करोना का पीरियड आया, बड़ा भयंकर जिहड़ा हैगा इस समय के उत्ते जिहड़ी हैगियां सेवावां जिहड़ियां उस समय के उत्ते, फिर इन्होंने ऑनलाइन स्टडी नूं नहीं छड्डिया, बच्चों नूं उस तरह एजुकेशन दिंदे रहे आ। गल कर रहे हैं प्रिंसीपल मैडम दे नाल। मैडम स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। थैंक यू। मैडम की कहना चाहोगे कि 22 साल पुरानी यह संस्था जिथों के पढ़े बच्चे, चाहे कोई डॉक्टर आ, चाहे कोई इंजीनियर आ, चाहे कोई होर डिपार्टमेंट आ, चाहे वो फॉरन गए ने, उन्होंने वधिया वधिया मल्लां मारियां ने। और सब तो वड्डी गल आ वैल्यूज़ की, इस स्कूल ने बच्चों नूं वैल्यूज़ दे के भेजे। स्कूल च जिहड़े बच्चे पढ़ के गए ने वह कोई वकील लाइन च भी चला गया, बहुत बच्चे आ जिहड़े आईलैट्स क्लीयर करके और फॉरन कोई कनेडा आस्ट्रेलिया वगैरह गए है, डॉक्टर भी बने हैं। तो उन्होंने अपने फील्ड के मतलब जो बच्चा इतों पढ़ के गया उन्होंने अपनी लाइफ के हरेक महक मतलब सक्सैस हो। कोई बच्चा आप इदा नहीं कह सकते भी जोड़ा बच्चा बेजगवार रह गया हो मतलब अपनी लाइफ से कामयाब ना होया हो। चाहोगे कि इतने जोड़ा फैकल्टी है वह बहुत ही वैल क्वालिफाइड रखी जाती है, और हमेशा यह होंगे कि उन्होंने तुम कौंसल कर दो टीचर भी, भाई आप पढ़ा जिद बच्चों मज़ा आए, क्योंकि अज्ज के बच्चे जोड़े है क्रिएटिव ने, ऑनलाइन मीडिया के नाल अटैच ने, उन्होंने मतलब उस तरीके पढ़ा जिद इंजॉय होंगे रहे। स्कूल के साढ़े को लैब साइंस लैब कंप्यूटर लैब है और समार्ट क्लास है, छोटे बच्चों समार्ट क्लास न समझाया जाता है, प्ले करवाया जाता है। जिहड़े छोटे बच्चे हैगे उन्होंने लिए एक एक्टिविटी रूम अलग बनया हुआ है, जिदे उन्होंने नाल रिलेटड उन्हों गेम्स वगैरह रखवाई गई हैं, जिस ना बच्चे हैगे भी वो एक गेम्स करते करते ही बच्चे उन्होंने लर्न करते हैं। और बाकी सारे टीचर्स ये चीज़ की तो किया गया कि भी वो जिहड़ी स्टडी करवाण एज ए एक्टिविटी वे नाल करवाण और समार्ट वे नाल करवाण, तां जो बच्चे उन्हों इजीली समझ सकन, जो कि अजकल टेक्नीक से चल रही है। मैडम की कहना चाहोगे कि ये स्कूल जिदे हम एडमिशन चालू ने, प्ले वे तो ला के एडमिशन चालू ने, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी तुहाडे कोल वधिया इत्थे टीचर्स वधिया हैल्परस रखे हुए ने, जिहड़े कि बच्चों चाहे छोटे बच्चे आके बाथरूम भी कर देंदे, निक्के निक्के बच्चे उन्होंने लिए भी संभालन, उन्होंने कि जिहड़े बच्चे प्ले वे भी लगना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, ओपन आ हुण एडमिशन आ सकते हैं, अपने बच्चों भेज सकते हैं, चाहे डेमो क्लास लैनी एक अद्धी डेमो क्लास भी असं इस स्कूल दे सकते हैं कि बच्चों देख लैन एटमोसफेयर देखना। एटमोसफेयर बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनवाया गया, आपके वालों अरेंज प्रोपर किया गया है, जो बच्चे छोटे बच्चे है जो बच्चों कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इतने पीएनस है जो उन्होंने हैल्प करते हैं और टीचर्स भी है जो उन्होंने पूरा कोऑपरेट करते हैं, मतलब किसी तरह की इदा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों। जो कोई बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम सीरीयस होंगी है तो उन्होंने मैडिकल हॉस्पिटल वगैरह भी पॉइंट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ग्रीनरी लैस ए अंदर कैंपस जिसे ग्रीनरी ग्रीनरी आ और बच्चों के लिए वधिया खेलने के लिए छोटे बच्चों के लिए जिहड़ा हैगा एक सिस्टम बनया होया है, की कहना चाहोगे जी बच्चों के लिए? साडे वालों पूरा अरेंज किया होया कि बच्चों नूं एक साफ सुथरा वातावरण मिले, जो कमरे है स्कूल के वह बहुत साफ सुथरे तो हवादार हैं, चारे पासे खिड़कियां ने उन्होंने लिए, तो ग्राउंड अलग बनया हुआ बच्चों के खेडन वास्ते, बच्चे आपके उन्होंने एक एक प्ले ग्राउंड पीरियड रख्या हुआ गेम्स का, वो बच्चे उस गेम्स विच अपने पीरियड लगाते हैं डेली, तकरीबन हरेक क्लास में एक पीरियड मिल जाता है।
दर्शकों जिहड़े भी इस चैनल के माध्यम से एन आर आई वीर देख रहे हैं, मैडम एन आर आई वीरां दी पहली पसंद है यह स्कूल की कहना चाहोगे कि वह बाहरों ही कह देंगे भी जा बलो नीरज जी मिल जाओ मैडम मिल लो वो वधिया उत्थे तुहाडे बच्चों नूं वैल्यूज़ देंगे, क्योंकि एन आर आई वीर जिन्हें बाहर गए ने उन्हें पता कि स्कूल ने बड़ी मेहनत की है 22 साल तो नीरज जी और तुसी लगे हुए अपना दिन रात एक करके सेवा की है और इन स्कूल नूं कमर्शियल नहीं बनाया जाता, यह नहीं है कि इतने आके कमर्शियलाइजेशन आ, यह स्कूल का जिहड़ा पैसा जो भी पैसा धेला बटिया वह इतने लाया स्कूल नूं बनाने दे विच नवीं नवीं चीज़ां लियाउण दे विच हर रोज़ नवी चीज़ कोई बनती है और स्कूल कदे रुकता नहीं, हरेक साल कोई ना कोई चीज़ नवी चीज़ करता। सही क्या है जिहड़े इत्थे बच्चे आंदे आ और कोई लो फैमिली तो आंदा गरीब फैमिली तो भी आंदा तो उन्हें उदा का कोऑपरेशन मिलता है कोई फीस माफ़ी की जिन्हों की उन्हों की डिजायर होंगी उन्होंने किया जाता है और रही इतों तो बच्चे पढ़ के जड़े गए ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो आके बड़े सानू शान मिलते हैं कि सर जी असी तो तुसी करवाया सानू तो असी अपनी लाइफ सक्सैस हैं असी उत्थे बहुत ज़्यादा कामयाब है। थोड़ा सानू समा देने लिए धन्यवाद और दर्शकों जिहड़े भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं बच्चों नू लगाना देर ना करो आओ हुण ते एडमिशन अपने बच्चों नू दिलाओ वधिया एटमोसफेयर मिलेगा मैडम नू मिलो नीरज जी नू मिलो बहुत ही कोऑपरेटिव ने स्टाफ आ जिहड़ा बहुत वधिया वैल क्वालिफाइड स्टाफ हैगा मैडम तुहाडा धन्नवाद सानू समा देने लई। थैंक यू मैडम स्वागत है तुहाडा वीरपाल जी की कहना चाहोगे कि यह स्कूल जिहड़ा पिछले लंबे समय तो सेवा कर रहा और तुसी इहदा पार्ट एंड पार्सल हो की कहना चाहोगे? मैं स्कूल दे विच टीचिंग कर रही हूँ, ये स्कूल बहुत लंबे समय तो चल रहा है बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं इतों बच्चों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है जिदा ये स्कूल का स्टाफ रूम है इधर क्लासिस लगिया हुई हैं बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलते हैं बहुत सारे बच्चे इस स्कूल तो पढ़ के बहुत ज़्यादा वड्डी पद्धर से उन्होंने तरक्या की डॉक्टर बने हैं जज बने हैं टीचर लगे हैं स्कूल के स्टाफ को बहुत खुशी होंगी है कि इतने बच्चे पढ़ के इतने आके उन्होंने दस दिया कि असी ये पोजिशन हासिल की पूरे स्कूल का नाम रोशन होंगे। और सब तो वही गल है कि डायरेक्टर जोड़े नीरज सर और मैडम जिन्हों का माइंड है कि असं विद्या का दान देना तो कौंसल करते हैं भी भाई आप बच्चों पढ़ा छोटे छोटे और वधिया तरीके स्टडी करा। हाँ जी बहुत खुशी होंगी है कि जो पता लगता है कि दूर दूर तक गल् होंगे अंजू मैम नीरज सर वो बच्चों को सिक्ख्या देंगे बहुत सारे बच्चों की मदद करते हैं इस नाल बच्चों बहुत खुशी होंगी है जो उन्होंने एक परिवार वाग इतने सिक्ख्या देंगे उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम आ जी इतने बच्चों को नहीं आती कि बच्चे बहुत खुशी खुशी इतने आके सिक्ख्या प्राप्त करते हैं तो उन्होंने एक फैमिली मैंबर वाग ट्रीट करते हैं। स्कूल का स्टाफ रूम है जिथे टीचर बैठते हैं इतने बैठ के टीचर नोटबुक वगैरह चैक करते अपना पूरा स्टाफ रूम वधिया बनया हुआ है स्कूल का। इस तो बाद अपन क्लासिस ने प्लस टू प्लस वन नाइन बनिया हुई ने बच्चे अपना कमर्स स्ट्रीम आर्ट्स स्ट्रीम इतने ही बैठ के पढ़ते ने बच्चे स्कूल एल के जी यूके जी क्लास ने मैडम बच्चों बड़े प्यार काम करवाते हैं जोड़े बच्चे नहीं कम करते उन्होंने वीक में हाथ फड़ के सिखाते हैं बच्चों की यही उम्र है इतों सीख के ही वड्डिया क्लासा चाहते हैं बच्चे बड़े सोहने तरीके ही इतने काम करते हैं। मैम नर्सरी क्लास है बहुत ही नन्ने मुन्ने प्यारे बच्चे है जो इतने बैठ के पढ़ते हैं उन्होंने मैम वधिया ढंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं स्क्रीन लगी बच्चे एक्टिविटीज जी है देखते हैं और कई बच्चे विचों कोई खेल रहा कोई मजे ले रहा यह एक ऐसा रूम है एक्टिविटी रूम जिथे आके बच्चे इंजॉय करते हैं पूरा मजा आता है खेलते हो मजे यहाँ पर आकर। प्रिंसिपल मैडम की कहना चाहोगे कि यह स्कूल समय का हानि है और पहले दिन तो तुसी एक कोशिश की है कि बच्चों असी मॉडर्न एरा दे नाल जोड़ना और वो कंप्यूटर रूम जिहड़ा है बहुत ही वधिया बनाया ए सी है फुली और बच्चे इतने आके बड़ा इंजॉय करते हैं कंप्यूटर के नाल सीखते हैं नवी नवी चीज़ा की कहना चाहोगे? बिल्कुल जी बच्चों असी आपके वालों स्मार्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं जो स्मार्ट है अजकल कंप्यूटर का अदारा है तो कंप्यूटर बहुत मस्ट है तो असी फर्स्ट क्लास तो ही बच्चों कंप्यूटर के सब्जेक्ट अलाउ किया हो बच्चे कंप्यूटर इतने फर्स्ट क्लास इतने कंप्यूटर आते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं। फिर मैडम की कहना चाहोगे कि बच्चों कंप्यूटर से पूरा टाइम दिता जाता है और ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 20-25 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ।